वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। आपने अभी तक मदरसे की बहुत सी खबरें सुनी होंगी, जिसमें कभी यहाँ पर आतंकी के निकलने की खबर सामने आती है तो कभी मौलाना यौन शोषण करते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर या फिर जो अब खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पर बच्चे को जंजीर से बांध कर मदरसे के अंदर यहाँ पर बुरी तरीके से पीटा गया। ये सुनने में एक तालिबानी सजा लग रही हुई, लेकिन ये हुआ है भारत में, वो भी उस राज्य में जहाँ पर योगी सरकार का डंडा लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक मदरसे में छात्रों के पैरों में बेड़ियां डालकर रखने की खबर है। यह आरोप मदरसे से भागकर अपने गांव पहुंचे दो छात्रों ने लगाया है। उनके मुताबिक छात्रों के बेतों से पिटाई होती थी। लखनऊ पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अलग बात यह है कि इसमें जो माता पिता हैं पीड़ित के, जो छात्र के परिजन हैं, वो मदरसा में पढ़ाने वालों के खिलाफ कोई लिखित शिकायत देने से मना कर दिया है। इस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहा है। वहीं घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। इस घटना वायरल वीडियो में नाबालिग दिख रहे एक छात्र के दोनों पैरों में बेड़ियाँ हैं। वो जमीन पर बजरी के ऊपर बैठा है। बेड़ियों को तालों से बांध कर रखा गया है। आसपास कई लोग भी जमा हैं। ये मामला सफुद्दीन उलेमा मदरसा का है। बताया जा रहा है कि बच्चे लगभग 2.5 साल से उस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाराबंकी के जारामाऊ का राजू और लखनऊ का दीन तितुल उलेमा मदरसा में पढ़ते हैं। मौका पाकर ये दोनों मदरसे से भाग निकले। दोनों पास के गांव में जाकर रो रहे थे, जिससे गांव वाले वहां जमा हो गए। दोनों ने ग्रामीणों से अपने साथ मदरसे में होने वाले अत्याचार को बताया। उनके शरीर पर बेस से पिटाई के काफ़ी निशान भी थे। उन्होंने गांव वालों से पिटाई मदरसे के शिक्षकों से ना करने का बताया है। इस बीच मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है। पुलिस अच्छे से जाँच कर रही है। मतलब एक तो सवाल उठता है कि मदरसे में आखिर पढ़ाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। अभी तक यौन शोषण की खबर सामने आती थी, यहाँ पर बुरी तरीके से अब जंजीर में बांधकर तालिबानी सजा छात्रों को दी जा रही है। और ये वही मदरसा है जहाँ पर बड़े बड़े मौलाना आकर अपना ज्ञान देते हैं कि यहाँ से हम उलेमा का ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ से हम उर्दू की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। हालाँकि अब यूपी पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आ गया है और अच्छे से इसकी तफ्तीश की जा रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।